हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, अभी मैं स्कूल से वापस घर आया हूँ और मैंने पानी पिया। जैसा कि आपने देखा, तो अभी मामा पापा, मामा और भाई घर नहीं है। तो आज मज़े की बात यह है कि मेरे जो उनसे पेपर हो रहे थे वो हो चुके हैं ख़त्म। तो अभी अब छुट्टियां हैं, तकरीबन 15-20 दिन मेरे छुट्टियां हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा डेली व्लॉग बनाने की। तो सब्सक्राइबर्स गेंस करेंगे तो मज़े करेंगे। और अब मैं जाऊंगा, मुझे पसीना आया हुआ, बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर। तो अब मैं जाऊंगा, कपड़े चेंज करेंगे, नहाएं। तो जी दोस्तों, अभी मैं नहा धो के तैयार हो के नया सूट पहन के जुमा पढ़ के हूँ। आप लोगों को भी जुमा बहुत मुबारक हो। तो अभी मेरे पास दो काम है। एक तो मेरे पास एक घड़ी है, उसकी ना जो उनकी चेन है ना वो बहुत ढीली है। तो एक तो वो जाके थोड़ी सी टाइट करवा लेंगे और अपने हाथ पूरी आ जाएगी, ठीक है। एक वो काम कराना है और दूसरा अब जो सी हमारी मोटरसाइकिल है ना वो होगी बहुत ज़्यादा गंदी। बाहर हो जाता है कॉलेज, बहुत ज़्यादा गंदी होगी, तो उसको भी धोना, साफ़ करना है। तो मोटरसाइकिल तो शाम को साफ़ हो जाएगी, धो दूंगा मैं। पर जो सी घड़ी है ना, आज चूंकि जुमा है तो दुकानें तो बंद होंगी, तो घड़ी का काम जो सा होगा वो तो कल होगा, तो वो मैं कल करा लूँगा। तो जो सी मोटरसाइकिल है वो आज धो ली जाएगी। तो चलो ये काम जल्दी से करेंगे। जैसा कि मैं तो जी दोस्तों, जैसा कि मैं अंदर बात कर रहा था कि मोटरसाइकिल को धोना है, बहुत ही ज़्यादा गंदी हुई है। तो मैं अभी आ गया, ये मोटरसाइकिल ये खड़ा है, इसको आप धो देंगे। बहुत ज़्यादा गंदी हुई है, मिट्टी जमी हुई है, इतनी मिट्टी जम गई है, ये आप देख सकते हैं, समझ ही गए होंगे कितनी गंदी हुई है। तो अभी इसे हम धो देते, साफ़ कर देते। तो शुरू करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर मिट्टी जम गई है। ये सारा, ये इंजन के नीचे भी ज़्यादा मिट्टी, वो मैं दिखा नहीं सकता। तो अभी इसे धोते हैं, गैराज में ही धो देंगे। तो ये जी आप ध्यान से देख सकते हैं, सीट कितनी ज़्यादा फटी हुई है, तो इसको भी कभी ठीक कराएंगे। लेकिन अभी मोटरसाइकिल चूँकि साफ़ करनी है, तो मैं ये टेप लाया हूँ। टेप मैं इसके ऊपर लगा दूँगा ताकि इसके ऊपर पानी ना जले, वरना अगर मैं इसके ऊपर पानी गिर गया ना तो पानी इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा, अंदर चल जाएगा, फिर काफ़ी अर्से तक इसके अंदर पानी रहेगा और ये ख़राब और ज़्यादा हो सकती है। तो मैं ये टेप जल्दी से इसके ऊपर लगा देते हैं। तो फिर इस मोटरसाइकिल को दरमियान में यहाँ पर करके खड़ा करेंगे। चुप कर। तो जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने मोटरसाइकिल को धो दिया। तो अब इसके ऊपर थोड़ा पानी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब मैं इसको सूखी टाकी से साफ कर दूंगा ताकि सूख जाए। वैसे सूख ही गया है, तेरी तो नहीं है, ऐसे ही ठीक है, पड़ी रहेगी, खुद ही सूख जाएगा पानी। तो जी ये है वो घड़ी जिसकी मैं बात कर रहा था, ये खुली है मेरे हाथ में। तो इसको हम दुकान पे जाके घड़ी वाली तो ठीक करवा लेंगे, तो ये मेरे हाथ में फिट आ जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज दुकानें बंद हैं, तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में कल जाके ये मैं ठीक करवा लूँगा। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। तो वीडियो पर ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।